तू इतना टेंशन क्यों है? कल को मेरी साली की सालगिरह है। क्या बोला तूने? मतलब मेरी शादी की सालगिरह है, तो समझ में नहीं आ रहा बीबी को क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए। तू एक काम कर, तलाक दे दे, बहुत खुश हो जाएगी। शर्म नहीं आती ऐसे लड़कियों को छेड़ते हुए? नहीं। तू नहीं छेड़ता लड़की को? मैं तो हर लड़की को अपनी माँ समझता हूँ। अच्छा, क्यों? उससे नियत साफ रहती है। अरे तेरी नियत का तो ठीक है, लेकिन तेरे बाप की नियत का क्या होगा? जो बच्चा मुझे 20 तक गिनती सुनाएगा उसको मैं किस दूंगी। मैडम मैडम, मैं 100 तक सुना दूंगा, पहले आप पूरी स्कीम बताओ। बेटे बेटे माज कर दी वाह बेटे वाह। तुम्हारे मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए भेजा, पैसे जोड़ जोड़ के 70 लड़के खड़े हैं सर बाहर, और बच्चा कोई नहीं है उनमें से, ये बात आप भी जानते हो। अच्छा बेटा, कानून की गांड अच्छी लगे पर उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। बेटे 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 माज कर दी माज कर दी वाह बेटे वाह। उधर यूपी के भदोही में प्रेमिका से मिलने के लिए युवक दुल्हन का लिबास पहनकर पहुंच गया, लेकिन प्रेमिका के घर वालों ने उसे पहचान लिया और उस फिर क्या हुआ? फिर भोसड़ी के बेटे 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 मौज कर दी वाह मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह तेजस्वी लोग जितने शानदार विचार रखते हैं। व्हाट? मैं मेरे घर की परी थी, मेरे को कोई काम नहीं करने देते थे, पलकों पे बिठा के रखते थे। हमारे मैं तेरे बाप को मत सिखा। 65 किलो को पलकों पे बिठा के रखते थे, ग्रेट काली के खानदान के है क्या? इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। जब भी जीती के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार,